गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम बी ए पार्ट फर्स्ट के पॉलिटिकल सिस्टम की बात करते हैं। पॉलिटिकल साइंस डॉक्टर प्रकाश तो पॉलिटिकल सिस्टम राजनीति व्यवस्था राजनीतिक व्यवस्था की बात करते हैं तो उसके अंतर्गत यह माना जाता है अभी तक जो रहा केवल राज्य के बारे में रहा, अब इससे आगे और भी बहुत होता है। व्यवस्था का अर्थ है मानवीय संबंधों का स्वरूप, कोई भी मानवीय संबंधों की संरचना राजनीतिक व्यवस्था बन जाती है यदि उसके अंतर्गत शक्ति नियम और सत्ता के तत्व दृष्टिगोचर होते हैं। राजनीतिक व्यवस्था राजनीतिक संस्थाओं तक ही सीमित नहीं, जाति समूह चर्च व्यवसायिक संगठन सभी में राजनीतिक व्यवस्था की कल्पना की जा सकती है यदि संस्था के सदस्य सत्ता शक्ति और नियम से संबंधित हैं। प्रदेश संगठन का एक राजनीतिक पहलू होता है। रॉबर्ट डहल के अनुसार देता हूँ मैं यहाँ पर रॉबर्ट डहल रॉबर्ट डहल के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था डहल के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था की व्यवस्था मानव संबंधों व्यवस्था मानव संबंधों का ये स्थायी संबंधों का वह स्थायी प्रतिरूप है इसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत सत्ता शक्ति सत्ता और नियम मात्रा में अंतर्ग्रस्त हैं। दूसरा नाम आता है गिवडिस्टन। दूसरा नाम आता है जो इसने मानता है राजनीतिक व्यवस्था के तीन संघटक हैं
संस्कृत व्यवस्था की तीन सेंट्रल सेमेटर होते हैं। तीन सेंटर होते हैं राजनीतिक व्यवस्था नीति के माध्यम से। नंबर एक राजनीतिक व्यवस्था नीतियों के माध्यम से मूल्यों का आवंटन करता है। दूसरी जो बात आती है मूल्यों का आवंटन, और दूसरी जो बात आती है वह है प्राधिकृत होना। तीसरी जो बात है, ये बात है आपके इसका आधिकारिक आवंटन समाज पर लागू होता है। आवंटन समाज पर लागू होता है। तो यहां पर दो तीन बात जो निकल जाती है, डिविडिस्टन की जो बात निकल जाती है वो ये है, डिविडिस्टन की जो बात निकल जाती है वो ये है, मूल्यों का एलोकेशन वैल्यू। दो बात निकल जाती है, डिविडिस्टन की जो बात निकल जाती है, पहली बात निकल जाती है इसमें एलोकेशन वैल्यू, एलोकेशन ऑफ वैल्यू मूल्यों का आवंटन। दूसरा निकलने आती है इसमें ऑथोरिटेटिव एलोकेशन, ऑथोरिटेटिव एलोकेशन ऑथोरिटेटिव एलोकेशन। और तीसरा है ऑथोरिटेटिव ऑफ वैल्यू, ऑथोरिटेटिव एलोकेशन इन सोसाइटी, ऑथोरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यू, ऑथोरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यू इन सोसाइटी। ये तो डिविडिशन के अनुसार ये जिस व्यवस्था में ये तीन काम होते हैं, एलोकेशन ऑफ वैल्यू, वैल्यू का एलोकेशन होना चाहिए, दूसरी बात है ऑथोरिटेटिव एलोकेशन, एलोकेशन है प्राधिकृत होना चाहिए, और तीसरा है ऑथोरिटेटिव एलोकेशन वैल्यू इन सोसाइटी।
युधिष्ठिर के अनुसार आर्य व्यवस्था के रूप में इसको हम मान सकते हैं। संक्षेप में कह सकते हैं राजनीतिक व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसके विभिन्न भागों में एक संबंध सूत्रता होती है। व्यवस्था के किसी भी भाग में कोई भी परिवर्तन अन्य अंतःक्रियाशील अंगों और संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था में भी अनुकूल परिवर्तन ला देता है। राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, प्रशासनिक एजेंसी जैसी सरकारी एजेंसी संरचनाएं भी सम्मिलित नहीं हैं, वरन सभी संरचनाएं अपने राजनीतिक पहलू की दृष्टि से सम्मिलित हैं। इसमें रक्त संबंध और जाति समूह जैसी परंपरागत संरचनाएं हैं और हत्या, दंगे, उपद्रव और प्रदर्शन जैसी व्यवस्थाएं तत्व भी हैं। इसमें बल, दबाव समूह, संचार साधन जैसे अनौपचारिक संगठन भी शामिल हैं। राजनीतिक व्यवस्था की धारणा में यह संरचना, यह संचार शामिल है और ये सभी परस्पर संबंधित हैं। अर्थात एक तत्व में परिवर्तन होता है तो इसका अन्य तत्वों पर अनिवार्य प्रभाव रहता है, इसको हम मान सकते हैं। अब राजनीतिक व्यवस्था की विशेषताएं, राजनीतिक व्यवस्था की विशेषताएं की बात करते हैं। राजनीतिक व्यवस्था की विशेषताएं, राजनीतिक व्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताएं आप इनको मान सकते हो। इसमें आता है की समानता निम्नलिखित है, राजनीतिक असमान स्वामी नंबर छः है। इसमें राजनीतिक
नंबर सात है, मुसाद है, राजनीतिक विभाग का असमान वितरण, विभाग का असमान असमान वितरण। तो यहां पर नंबर आठ है, वैधता का अर्जन, वैधता का अर्जन। और नंबर नौ है विचारधारा का विकास, और नंबर नौ है विचारधारा का विकास, मनोभाव विचारधारा का विकास। इस प्रकार से राजनीतिक व्यवस्था की नौ विशेषताओं के रूप में इसको हम मान सकते हैं। यहाँ पर राजनीतिक संरचनाओं की समानता से तात्पर्य है, सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं में राजनीतिक संरचनाएं पाई जाती हैं। इन संरचनाओं की परस्पर तुलना की जा सकती है। इन संरचनाओं में अंतर केवल विशिष्टीकरण का होता है। कार्यों की सर्वव्यापकता, कार्यों की सर्वव्यापकता, सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं में समान कार्य किए जाते हैं। संरचना के आधार पर राजनीतिक व्यवस्था की तुलना करने पर हम सही परिणाम नहीं पाते। हमें संरचना की अपेक्षा कार्यों को अधिक महत्व देना चाहिए। इस समूह के संगठन और सदस्यता की अपेक्षा ये जानना अधिक उपयुक्त होता है कि हितों को कैसे स्पष्ट किया जाता है। कौन से संगठन इस भाग में कौन से संगठन इस कार्य में भाग लेते हैं, उनका किस प्रकार से हितों को स्पष्ट किया जाता है। राजनीतिक संरचनाओं की विविधता, सभी राजनीतिक व्यवस्थाएं विविध कार्य करती हैं। यदि हम विगत 60 वर्षों में राजनीतिक शास्त्र के में हुए विकासों का अवलोकन करें तो हमें देखते हैं राजनीतिक संरचनाओं का प्रत्येक अंग केवल एक ही कार्य नहीं करता, वरन एक से अधिक कार्य भी करता है। तो यह कहा जाता है व्यवस्थापिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उसे लागू करती है, न्यायपालिका उसकी व्याख्या करती है। परंतु वास्तविकता यह है तीनों विभाग एक दूसरे के कार्यों को करते हैं। विधानमंडल विधि निर्माण के साथ साथ प्रशासनिक और न्याय कार्य भी करता है। नौकरशाह न केवल कानून को लागू करता है बल्कि विधि निर्माण में भी बहुत बड़ा योगदान देता है। राजनीतिक संरचनाओं का मिश्रित स्वरूप, कोई भी राजनीतिक व्यवस्था विशुद्ध नहीं होती है, समस्त राजनीतिक व्यवस्था मिश्रित व्यवस्थाएं होती हैं। राजनीतिक व्यवस्था परंपरागत और आधुनिक दोनों प्रकार के विचारों और संस्थाओं का रूप प्रदान करती हैं। राजनीतिक साधनों का असमान स्वामित्व, प्रत्येक व्यवस्था में राजनीतिक साधनों का असमान वितरण होता है राजनीतिक साधनों का हमारा कटरा उन साधनों से है जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के आचरण को प्रभावित करता है। इस प्रकार राजनीतिक साधनों के अंतर्गत धन, भोजन, सूचना, बल प्रयोग की धमकी आदि शामिल किए जा सकते हैं। राजनीतिक प्रभाव का प्रयत्न, राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत कुछ लोग सरकार को सरकार की नीतियों को और निर्णयों को प्रभावित करने का प्रयत्नशील रहते हैं। शासकीय नीति, नियमों और निर्णयों को प्रभावित करने की क्षमता का भी नाम राजनीतिक प्रभाव है। राजनीतिक प्रभाव का असमान वितरण, राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत राजनीतिक प्रभाव का असमान वितरण होता है। इसका प्रमुख कारण साधनों का असमान वितरण है। कुछ व्यक्तियों के पास राजनीतिक साधन अधिक होते हैं जिनके द्वारा वे सरकार को प्रभावित कर सकते हैं। जिन व्यक्तियों का सरकार पर अधिक प्रभाव होता है वे अपने इस प्रभाव का के द्वारा अधिक राजनीतिक साधनों पर नियंत्रण कर सकते हैं। वैधता का अर्जन, राजनीतिक व्यवस्था में नेता यह स्पष्ट करते हैं जब भी
संघर्ष से निपटने के लिए सरकारी साधनों का प्रयोग किया जाए तो उस निर्णय का पालन जनता न केवल हिंसा दंड भावना से करे बल्कि इस भावना से करे नैतिक रूप में वो नैतिक रूप में होती है और उसका पालन करना उचित है। राजनीतिक व्यवस्था में नेता उस कार्यों का वैध बनाने का प्रयास करते हैं। विचारधारा का विकास और सिद्धांतों के समूह को विचारधारा कहा जाता है। राजनीतिक व्यवस्था में नेता साधारणतः ऐसे स्थायी और एकीकृत सिद्धांतों के समूह को अपनाते हैं जो व्यवस्था में उनके नेतृत्व को स्पष्ट और उचित सिद्ध कर सकें। नेता विचारधारा का विकास इसलिए करते हैं बल्कि उसके नेतृत्व को वैधता प्राप्त हो सके अथवा वे अपने प्रभाव को प्राधिकृत रूप से परिवर्तित कर सके। ये तत्व हम सभी जानते हैं। बल प्रयोग की अपेक्षा प्राधिकरण या प्राधिकार के माध्यम से शासन करना अधिक मितव्ययी है। विचारधारा राजनीतिक व्यवस्था को औचित्यता प्रदान करती है। तो यहाँ पर हम राजनीतिक व्यवस्था की परिभाषा, राजनीतिक व्यवस्था के विभिन्न अंग और राजनीतिक व्यवस्था की परिभाषा और विशेषताओं के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं।